और जी कल जा रही है जिया मैके। हाँ जी, जिया को कल मैका जाना है, कुछ काम है उसके कॉलेज का, तो कॉलेज तो जाएंगे ही, साथ साथ जिया जो है अपना मैके भी चली जाएगी। तो जिया बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो जिया जल्दी से नहा लो, निकलना भी है ना फिर। बाबू का ड्रेस हो गया है सेलेक्ट। तो फाइनली बाबू भी तैयार हो गया है अपने नानी घर जाने के लिए, पहली बार जा रहा है नानी घर बाबू। और बाबू को तो अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद जब यह वीडियो देखेगा तो इसको पता लगेगा कि नानी घर गए थे हम यह ड्रेस पहन करके। है ना बाबू, सोया हुआ है, कोई बात नहीं, सो जा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस ब्लॉग में। तो जी कल हो गया सावन खीर और आज जो है मौसम जबरदस्त है, अभी आपको दिखाते हैं कैसा मौसम है। बारिश हो रही है जी, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक बारिश। ये भी हमारा बन के हो गया तैयार, जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। बहुत ही कम टाइम में अच्छा सा नाश्ता, शाम का नाश्ता बन जाता है। इसके साथ ही गरम गरम चाय भी मिल जाता है, ज्यादा मजा आता है। अभी और बनाने के लिए बहुत ठीक है। पकौड़ी बारिश के मौसम में एकदम गरम गरम पकौड़ी कैसा लगा? पकौड़ी मुकाने की बात है। A few moments later. अपनी दादी के पास से ये आ गया ऊपर, उसके में बहुत तबाही मचाया है। उसके बाद जो है ये तो शांत से सुन रहा है, जैसे कि सबसे सीधा बच्चा है मेरा। ओए होए, अब इसको सोना है, इसे सुला दो। हाँ बेटू सोना है, आपको नहीं करना है। तो फाइनली जी यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो अनार तो लग चुका है, अब उसके बाद सेब, नाशपाती और उधर पपीता। जल्दी से जब लग जाएगा तब उसके बाद बैठते हैं। चाट मसाला है क्या? चाट मसाला रहता तो मजा आ जाता, एकदम फ्रूट चाट बन जाता है। कोई बात नहीं, कल वक्त होगा वो भी खत्म। भाई साहब सब कुछ खत्म ही है। चलिए जी नीचे एक पार्सल आया हुआ है, जा करके रिसीव करते हैं। पैकेट देख करके लग रहा है जिया कहीं कोई सामान है, और जैसा कि मुझे लग रहा है शायद साड़ी ही होगा। ये हमको लग रहा है तुम्हारा साड़ी है, यहाँ लिखा हुआ होगा ना, पढ़ के बता दी बहुत। और जी कल जा रही है जिया मैके। हाँ जी जिया को कल मैका जाना है, कुछ काम है उसके कॉलेज का, तो कॉलेज तो जाएंगे ही, साथ साथ जिया जो है अपना मैके भी चली जाएगी। तो जिया बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतनी खुशी बस पूछने की देरी थी। One hour later. रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है जी, यहाँ पर बेड बिछा हुआ है, उधर सब कुछ देख रहे हैं बिखरा हुआ। अब ऐसा करते हैं अपना जो टेबल सब है उन सब कुछ अरेंज करके अपने काम पर लगते हैं, और बाबू को नहाना है लगभग एक घंटे बाद, तो एक घंटा हमारे पास समय है, तो जो भी अपना काम है निपटा लेते हैं। वहाँ लैपटॉप खुला हुआ है, अपना काम कर रहे हैं। तो आज बनाना सीख नहीं बनेगा क्या? बना देते हैं तुरंत, एक तो काम मिला है आपको। अच्छा कोई नहीं, बना देते, बना देते। तो फाइनली जी यहाँ पर खाना लग रहा है, खाना लग गया, फिर चलते हैं खाने के लिए। तो हो गया जी खाना पीना, और अब चल रहे हैं अपने एक दोस्त के यहाँ। हमारे दोस्त के यहाँ जो है आज था पूजा, तो उसके लिए उसने बुलाया था, और मम्मी सबको भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई पूजा था वहाँ पर। मम्मी को लग रहा है उसे टली मारने जा रहा है लेकिन सच में वहाँ पर पूजा है, पूजा है तो वहाँ तो जरूर जाना चाहिए। झूठ तो बोलो, पूजा है तो जरूर जाओ, हम नहीं जा रहे तब भी हमारा उनके चरण में आशा है। ठीक है ओके जी, तो चलते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा लग गया है रात का खाना, और आज जो है खाने में खिचड़ी और चोखा। ठीक है शनिवार, बिल्कुल जी। और जो है साथ में पापड़ रहता, मजा आ जाता। पापड़ मना है आज? मना कर दिया आपको देने से, ये नहीं कर देते। ओके, तेल वाला सामान मुझे मना है खाने के लिए, लेकिन कभी कभी खा लिया जाता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8। हमारा बाबू जो है सो करके उठ चुका है, उसका मालिश हो चुका है, और वो चला गया है अपने दादा दादी के पास। और अब हमें लग गई है बहुत ही तेज भूख, थोड़ा सा जो है अपने इस भूख को शांत कर लिया जाए, तो उसके लिए हमने जी यहाँ पर लगा दिया है बनाना शेक। तो बनाना शेक जैसे ही पियेंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए तो अपना कोटा फुल हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और वैसे जो है अभी से कुछ देर बाद हम लोग को निकलना भी है जिया के घर की तरफ, और जिया यहाँ पर जो है पुआ बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस दिन सावन खीर था उस दिन जो है कुछ मटेरियल रह गया था। तो हाँ जी, तो देख सकते हैं ड्राई फ्रूट इसके ऊपर छिड़का जा रहा है, और मैदा का घोल जो है तैयार है, और उसमें दिया गया हुआ है शक्कर,
तो शक्कर वाला पुआ बनने वाला है। उस दिन चीनी वाला बना था शक्कर, ज्यादा टेस्टी। शायद बहुत जगह ना चीनी को शक्कर बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं, गुड़ वाली पुआ बने। हाँ तो गुड़ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग गुड़ को शक्कर बोलते हैं यहाँ पर, तो इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ठीक है, बनाया जाए और हम जल्दी से बनाना से तैयार करते हैं, थोड़ा सा पेट में चला जाएगा, उसके बाद कुछ करते हैं। तो हो गया जी हमारा बनाना शेक तैयार, हम जल्दी से ग्लास निकालते हैं, फिर बनाना शेक को उसमें सर्व करते हैं और सभी को दे देते हैं। एक पापा के लिए पहले से ही बना चुके हैं शुगर फ्री, और अब बाकी सबके लिए बनाना है। हाय हाय हाय, जल्दी से कर लिया जरा। यहाँ पर जिया जो है सब्जी काट रही है, तो सब्जी बनने की भी चल रही है तैयारी। उधर पुआ का घोल जो है तैयार हो चुका है। आप नीचे से प्याज ले आइए। अच्छा, जिया बोल रही है प्याज लाने के लिए। कब से बोल दूँ, नहीं तो तब तक हम बनाना से पी रहे थे ना। कब का पी लिया, मैं थोड़ा टाइम लेके पी था। तो पीछे एक प्याज तो है। प्याज नहीं है, प्याज का पत्ता। प्याज का पत्ता है, कोई बात नहीं, प्याज का पत्ता डाल के बनाओ। नहीं अभी बज रहे हैं जी दिन के एक, और हमारा जो है नहाना हो चुका है, और नहाने के बाद जो है जल्दी से खाना खा लेते हैं। और बाबू का भी नहाना हो चुका है, बाबू भी नहा चुका है और अभी यह सो रहा है। तो सबसे पहले जो है नाखून काटा जा रहा है, क्योंकि नाखून जो है बहुत दिनों से इसका जो है छोटा छोटा नाखून। कोई नहीं, तो जिया काट रही है नाखून और जिया को भी नहाना है। सबसे ज्यादा मेरा ही मुँह न छोड़ता है, अपना भी न छोड़ दिया है। देखिए कहाँ, यहाँ पर नाखून इसका बिल्कुल बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो जिया जल्दी से नहा लो, निकलना भी है ना फिर। तो जाते हैं हम, पहले खाना खा लेते हैं। मेरा और बाबू का ड्रेस हो गया है, सिलेक्ट बाकी है, क्या लेना है, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। खाना आज बड़ा बेहतरीन है जी, यहाँ पर है पुआ और साथ में है खीर, उसके अलावा यहाँ सब मजा आने वाला है आज। तो हमारा लग गया जी खाना, चलते हैं खाते हैं। तो फाइनली जी हम हो गए हैं तैयार, और अब जाते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी को उठा करके लाते हैं। जिया भी वहाँ तैयार हो रही है, बाबू को भी तैयार करना है, और आने में भी लगभग समय लग जाएगा 15-20 मिनट, तब तक जो है वो लोग तैयार भी हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो फाइनली जी पहुँच गए हैं यहाँ पर, और गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और गाड़ी अब यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं। जिया भी वहाँ तैयार हो गई है। 20 मिनट्स लेटर, गाड़ी तो निकाल लिया जी, गाड़ी वहाँ पर कर दिया है पार्क, और अब जो है जिया भी यहाँ पर तैयार हो रही है। इतना लेट करेगी, जल्दी कर, हो गया। तो हमारा बाबू भी जो है तैयार है, नीचे देख सकते हैं, उस वाले कैमरे से दिखाते ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो फाइनली बाबू भी तैयार हो गया है अपने नानी घर जाने के लिए, पहली बार जा रहा है नानी घर बाबू, और बाबू को तो अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब यह वीडियो देखेगा तो इसको पता लगेगा कि नानी घर गए थे हम यह ड्रेस पहन करके। बाबू सोया हुआ है, कोई बात नहीं, सो जा।